अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा है तीसरा भाग। और दोस्तों तीसरे भाग में हम आपको जो इसने हरकत करा है उसके बारे में बताएंगे। और दोस्तों उसके अलावा आप लोगों की कमेंट व्हाट्सएप के ऊपर और वीडियो के नीचे आ रही है। वसीम भाई, हमारे को आप डेली की वीडियो बना के दीजिए, डेली की वीडियो। काफ़ी कमेंट थी आपकी, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप जो मैंने पहले भाग में आपको बताया था उस तरीके से आपको बच्चा लेके आना है। और दो दिन आपको जो मैंने दूसरा भाग में फिर बताया हूँ कि दो दिन मैंने किस तरीके से इस बच्चे को मैंने टाइम दिया हूँ। और आप लोग की कमेंट कि यार वसीम भाई, ज़रूरी है कि हम दो दिन पूरा टाइम इसके साथ रहें सुबह से शाम तक के, जो आपने दूसरे भाग में बताए थे। तो दोस्तों देखो, जितना आप इस बच्चे को टाइम दोगे, जैसे ये देखिए, जैसे कि आप बच्चे को जितना टाइम दोगे उतना ये आपसे हिलेगा, उतना टाइम जरूरी दोस्त। ऐसे नहीं है कि आपने जैसे कि आज आपने इसको लेके आ गए, ठीक है, दूसरे दिन इसको पिंजरे में से बाहर निकाल के सिर्फ आप दाना इसको दिखा रहे हो, वो नहीं करना है। वो फिर अपना अपना तरीका दोस्तों ट्रेन करने का। बाकी मैं जो तरीका दोस्तों आपको बता रहा हूँ, दस सही तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, तो सबसे मेन चीज़ ये मासूम परिंदा है, भूखा इसको बिल्कुल नहीं रखना है मेरे हिसाब से। तो आपको ट्रेनिंग देना है कबूतर को, आप चाहते हो कि ये बच्चा हमारे साथ में रहे, हमारा हाथ में ले, हमारा आगे पीछे ही घूमे, तो आपको इसको ट्रेनिंग देना होगा। जैसे कि आपके व्हाट्सएप के ऊपर और वीडियो पर कमेंट आई थी कि वैसे में ज़रूरी है कि हम इसको दिन भर हम इसके साथ में रहें, तो दोस्तों दो स्टार्टिंग में आपको कुछ दिन उसको ट्रेन आपको समय देना होगा। समय किस तरीके से, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो दो घंटे सुबह इस बच्चे को टाइम देना है। दोपहरी में टाइम मिले आपको तो दो घंटे दोपहर में देना है। और रात में दोस्तों एनी टाइम है, रात में दोस्तों आपके पास कभी टाइम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना इस बच्चे को आपके पास रखोगे ये उतनी जल्दी ये ट्रेन होगा। और एक कमेंट और थी मेरे पास कि व्हाट्सएप के ऊपर और वीडियो के नीचे कि वसीम भाई, हमको ये बताइए कि जब हम ये कबूतर के बच्चे को हम कमरे में रख सकते हो, तो दोस्तों आपको कमरे में ही रखना है, आप जो कबूतर है उनमें मिक्स नहीं करना है, इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना। आपको आपके पास कोई कमरा हो तो कमरे में ले आके इसको आप एक पिंजरे में, मैं आपको पिंजरे में दोस्तों दिखाता हूँ पिंजरा कौन सा है। ये आपको कम से कम दोस्तों इतना बड़ा पिंजरा लेना है और इसमें आपको बच्चा रखना है। रखने के बाद जितना जब तक आपके हाथ में है, ठीक है, इसको सिर्फ आपको ही टाइम देना है। आप कभी सोच रहे हो कि हमारे घर में हम छोटे भाई है छोटे बीच में इसको लेके घूमे, वो नहीं करना आपको। जब तक कि आपको नहीं पहचान जाए, जब तक के मान लीजिए अभी मैंने इसको यहाँ बिठा दिया, ठीक है, यहाँ मैंने इसको छोड़ दिया, अभी शायद ही मेरे पास छोड़ गया है, शायद ही है, तो इसको इतना दोस्तों अपने को इन्हें इतना प्यार मोहब्बत देना है, इतना टाइम देना है कि इसको दूर फेंकोगे ना तो बुलाते साथ आने को ना। तो आपको स्टार्टिंग में दो घंटे सुबह देना है, दो घंटे शाम में देना है, और जो टाइम आपको रात में दोस्तों रात में टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आपको ये देखिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया दोस्तों, मैंने इसका नाम रखा हूँ Y2। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई ये नाम आपको कैसा लगा। अब इसको जब भी मैं बुलाऊँगा Y2 करके बुलाऊँगा। और आपको भी जो बच्चा आप ट्रेन कर रहे हो उसका नाम स्टार्टिंग से ही रखना आपको ज़रूरी है। और जो नाम आप रखते हो बार बार नाम को दोहराना है इसके पास, किस तरीके से, ले Y2, आजा Y2, देखिए आप। ओ दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको सबसे मेन चीज़ है, जब भी दो घंटे आप सुबह टाइम दे रहे हो, दो घंटे आपको कमरे के अंदर ही रखना है। और कमरे में रखने के बाद इसको डेली जितना बड़ा कमरा आपको कमरे में लेके इसको हाथ पे लेके घूमना है, कंधे पे लेके घूमना है, दो घंटे इसको कमरे पे लेके घूमना है आपको। तो आपको इसको चने खिलाना है, ये दोस्तों भीगे हुए चने, देखिए आप, ये पानी में भीगे हुए चने ही खिलाना है आपको, सादे चने सूखे चने बिल्कुल नहीं खिलाना है।
और हल्का पानी गरम, हल्का पानी गरम होना जरूरी दोस्तों। जैसे कि आप सुबह चलते फिरते 2 घंटे आप मान लो इसको टाइम दे रहे हो, तो सुबह कम से कम 5 से 6 चने इसको खिलाने ही, एक ही बार में नहीं कि एक ही बार में इसको आपने खोले 2 घंटे भटावट आपने पूरा पेट भर दिए छोड़ दिए, नहीं वो नहीं करना आपको। कम से कम 2 घंटे आपको टाइम दे रहा हूँ ना, 2 घंटे के अंदर इसको 5 से 6 चने खिलाना है। फिर वही प्रोसेस आपको दोपहर में करना है, 5 से 6 चने इसको खिलाना है। फिर वही प्रोसेस आपको रात में करना है। इसको भूखा बिल्कुल नहीं रखना दोस्तों। और जब भी आप चने वाने खिलाते हो तो आप कोई छोटा इंजेक्शन लेना है और 2 से 2.5 ml इसको इस तरीके से पानी पिलाना है। देखिए पकड़ा आपने पाइट इस, और जब भी आपको दाना खिला रहे हो इसको नाम जो रखे वो आपको नाम से बुलाना है, पाइटूले पाइटू, इस तरीके से आपको उंगली लाना है। देखिए आप ठीक है इस तरीके से। और जब भी भाई आपको पानी पिलाना है तो आप दोस्तों ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से पानी पिला रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से पानी पिलाना है। पूरी सिलेन इसके अंदर नहीं छोड़ना है, हल्की सी ठीक है। जवान पे दोस्तों पानी लगना जरूरी है मेरे हिसाब से दोस्तों। देखो हालांकि YouTube पे कई वीडियो डली है, बाकी दोस्तों अपना अपना तरीका है ट्रेन करने का। मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ अभी ट्रेन कर दी है तो कबूतर बच्चा आपके आगे पीछे घूमेगा। इसको आप कोई तरह पिंजरे में रखना है, पिंजरे में रखना है। जैसे कि आपने 2 घंटे इसको टाइम देने के बाद इसको वापस पिंजरे में डाल के, जैसे अभी मैं इसको मान लीजिए कोंड रहा हूँ, ये 2 महीने कोंडने के बाद इसको कोई सी भी कपड़े से ढक के थोड़ी हवा के लिए रास्ता रहने देना और इसके कोने में रख देना। और दोस्तों इसको बाहर लेके घूमना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसको अपने दूसरे कबूतर नहीं दिखाना है। कभी आपने इस बच्चे को दूसरे कबूतर दिखा दिए जो अभी ज़्यादा टाइम आपके पास मान लो हुआ नहीं, 2-4 दिन 5 दिन आपके हाथ में हुआ है और आपने कभी दूसरे कबूतर दिखा दिए ना दोस्तों, सीधे उन्हीं के पास चले जाना, पलटेगा भी नहीं आपके पास। वो व्हाट्सअप करते हो पहले तो फ़ोन मेरे नंबर पे आपको लगेगा ही नहीं और ना ही आप फ़ोन लगाना मेरा नंबर पे दोस्तों, क्योंकि मेरा मोबाइल ज़्यादातर बंद ही रहता है। और जो आप व्हाट्सअप करते हो व्हाट्सअप पे जो ज़रूरी मैसेज है दोस्तों आप वही मैसेज करा करो तो दोस्तों ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों तो आप हाय हेलो, उसके अलावा आपके क्या हाल चाल है, हमारे क्या हाल चाल है। और आप कई भाई है हमारे को फोटो सेंड करते हैं कि वसीम भाई हमारे को इसकी पहचान के बारे में बताइए, तो दोस्तों ये थोड़ा सा दो ये मत करिए। आपके कबूतर में ज़्यादा ही अति हो गई है, ज़्यादा ही कबूतर बीमार हो गया है तो दोस्तों व्हाट्सअप करो, नहीं तो दोस्तों मेरे यूट्यूब पे मैंने कई वीडियो आप लोगों के लिए बना कर रखा हूँ। व्हाट्सअप पे मैं आपको ज़्यादा टाइम मान लो मैंने व्हाट्सअप खोला, खोलने वाला दोस्तों डेली मेरे पास व्हाट्सअप पे 2000-3000 मैसेज आते हैं और उसमें कई मैसेज आधे मैसेज हाय हेलो क्या हाल चाल आपके भाई, इसके कबूतर की पहचान बताइए। तो दोस्तों देखो मैं उनको टाइम दूंगा तो मेरे पास दूसरे भाई की कमेंट आ रही है वसीम भाई इसके इलाज बताइए, मैं उनको टाइम मुश्किल थोड़ा हो रहा है। तो आप सबसे मेन चीज़ ये चीज़ का ध्यान रखिए, जो ज़रूरी बात है तो अभी व्हाट्सअप करा। उसके अलावा आप है ना एक काम करना, जब भी आपके कबूतर में बीमारी वायरस जो भी आपके कबूतर में दिक्कत है परेशानी है डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओ, डायरेक्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, मेरे कबूतर केयर को आप दबाएंगे पूरी लिस्ट आ जाएंगी। लिस्ट आने के बाद वहाँ मैंने कई वीडियो दोस्तों मैं बना के रखा हूँ हर एक बीमारी के बारे में, इलाज के बारे में हर एक नॉलेज मैंने आपको दे रखा हूँ। तो वहाँ से आप इलाज करिए, उसके बाद मेरे को व्हाट्सअप पे बताइए कि भाई हम ये इलाज कर रहे हैं। और दोस्तों देखो आज से तीसरा भाग के अंदर दोस्तों मैंने इसका नाम रखा Y2। तो आपको दोस्तों आपका जो भी बच्चा है सिलेक्ट कर रहे हो तो आप नाम फटर रख लिए आपके हिसाब से जो आपको नाम अच्छा लगता है, तो हमने इसका नाम रख दिया Y2। देखिए Y2 आ जाओ, Y2 ले चल। देखिए इस बच्चे को दोस्तों मैंने सुबह 5 चने, उसके बाद दोपहरी में 5 चने और अभी मैं आपके सामने खिला रहा हूँ। कभी मैं सुबह इसको पेट भर दूंगा, मान लीजिए मैंने सुबह इसको पेट भर दिया और शाम में मैंने फिर पेट भर दिया तो वो मजे नहीं आएगा। मैंने क्या कहा सबसे मैं सुबह जब मैंने 5 दाने इसको दिया, देने के बाद मेरा ही दोस्तों पूरा कमरे में ले घुमा उसको मैंने, कभी कंधे पे कभी हाथ पे कभी इस टाइप से मैं इसको बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसका जैसे मैंने नाम रखा हूँ
तो ना Y2 देख दो कितना भूखा हो, जो भी हरकत करेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा ए Y2। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।